नमस्कार पूजा माहेश्वरी आपकी दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। तो क्योंकि मेरी जो मेन ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, तो अभी टॉय ट्रेन तो भाई करनी थी, ये नहीं किया दार्जिलिंग में आके तो क्या ही किया। तो इसके लिए अभी मैंने डिसाइड किया है कि भाई अब जो है मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, लगभग 5 स्टेशन की दूरी पे एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ तक दिखाऊंगी आगे। फिलहाल स्टेशन से मैं पहुँच चुकी हूँ और आधे घंटे का वक्त बचा, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं और फिर सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि बहुत मस्ती बहुत धमाल होने वाला है। तो दार्जिलिंग का जो स्टेशन है बिल्कुल छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत सा स्टेशन है। वैसे प्लेटफॉर्म यहाँ पे दो बने हुए हैं, एक इस साइड पर है और एक इस साइड पर है, लेकिन जो ट्रेन आती है वो नॉर्मली इधर और उस इन दो पर ही आती है। और आप यहाँ से ऑफलाइन टिकट बाय कर सकते हैं। अभी मैंने जो टिकट बाय किया है उसकी है दार्जिलिंग से 6 स्टेशन आगे का, लगभग मुझे पड़ा है ये 750 रुपये का, और ट्रेन में अभी तक एक ही डब्बा है। तो पहली बार मैं सिर्फ एक डब्बे वाली ट्रेन में सफ़र करने वाली हूँ। तो ये जो है ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा स्टेशन है। आप अगर इसका ये पटरी देखोगे तो देखो इसका साइज बिल्कुल नैरो गेज है, ये बिल्कुल नैरो गेज पटरी पे ये टॉय ट्रेन चलती है। ब्रिटिशर्स के द्वारा सन 1881 में, लगभग 1880 में स्टार्ट की गई थी और तब से आज तक ये चल रही है। आज के टाइम पे भी कोई बनाने जाए तो इतनी सी पटरी पे ट्रेन नहीं बना सकता। अब इसे टॉय ट्रेन क्यों कहते हैं वो भी आगे जानेंगे। फिलहाल इस साइड पे भी एक टॉय ट्रेन खड़ी है जो घूम तक जाती है, यहाँ से सिर्फ एक स्टेशन आगे और वापस आ जाती है। आप चाहे तो इसका भी सफर कर सकते हैं। सुबह 9:30 बजे वाली ट्रेन है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी आप 11 से 12 वाली ट्रेन में जाएं। उसमें जो लगा होता है वो स्टीम इंजन लगा होता है, जिससे व्यूज बहुत अमेजिंग आते हैं। सबसे पहले की ट्रेन चलते कुछ फटाफट से देखते हैं खाने को मिल रहा है क्या। यहाँ पे चाय की दुकान लिखा तो है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा आंटी जी अंदर है, कुछ खाने में मिलेगा, आलू पराठा मिलेगा, प्लेट पराठा, मैगी। अच्छा चाय कितने की है? चाय 10 रुपए की है। अदरक वाली है या नॉर्मल है? और एक पराठा जो है वो करके पार्सल। मैंने एक कॉफी ले ली है जो मशीन वाली है, ये 20 रुपए की है। मिल्क इज देयर? मिल्क ओके, वन मोर शुगर। भाई साहब शुगर हमको ज़्यादा चाहिए नॉर्थ वालों को। 2 corn और अब मैं ले रही हूँ इसी के साथ साथ में स्पाइसी, और अब मैं ले रही हूँ यहाँ से कॉर्न भी, कॉर्न चाट और उसके साथ कॉफ़ी ले लेते हैं। 60 रुपए की कॉर्न चाट है और 20 रुपए की ये कॉफ़ी है। वेंडिंग मशीन देखो यार, मौसम इतना सुंदर हो रहा है। टॉय ट्रेन वो वाली जो है ये बार बार आगे पीछे हो रही है, कभी जाती है कभी रुक जाती है, और चारों तरफ सिर्फ कोहरा है, फॉगी से सुबह है आज की। ट्रेन अपनी चल चुकी है, टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 9:30 बजे का, और अब एंजॉय करेंगे इन व्यूज़ को कॉफ़ी के साथ। टाइम हो गया कॉर्न खाने का, कॉफ़ी पीने का, उसके बाद में ये व्यूज़ एंजॉय करेंगे। मस्त वाले बिल्कुल पास में कार दिख रही है, बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि सिर्फ वियतनाम में ऐसा होता है जहाँ पर ट्रेन जो है वो बिल्कुल सिटी से कैफे से और ऐसे चलते हैं। तो इससे पहले कि बतासिया लूप जो मेन अट्रैक्शन है दिखाऊंगी आपको भी, आ जाए फटाफट से फिनिश कर दूँ। काम है ना वो चल रहा है, इस वजह से ट्रेन थोड़ा रुक के चल रही है। यहाँ पे रिनोवेशन और चीज़ें चेंज होना और मेंटेनेंस ये सब चलता रहता है, स्पेशली मानसून सीजन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी वो सब चल रहा है। जब ये कर्व्स में मुड़ती है ना तो लिटरली मजा
मज़ा आ जाता है। मौसम बिल्कुल फॉगी वाला, बारिश वाला, बहुत ही सुहावना हो रहा है। इस मौसम में इस ट्रेन राइड का मज़ा ऑलमोस्ट डबल है। दार्जिलिंग की ये ट्रेन जो है वो स्टार्ट होती है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से, जो बन के तैयार हुआ था 1891 यानी 1891 से। ये रेलवे स्टेशन वैसा का वैसा ही है। वहाँ पे टोटल 3 ट्रैक है जिसमें से सिर्फ एक ही ट्रैक है जो मेन मार्केट तक जाती है। और ये जो रेलवे स्टेशन है उसको बोला जाता है कि इसका जो डायरेक्शन है यानी जो फेस है वो सिलीगुड़ी की साइड है। तो जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे इस तरह के हेरिटेज बनाए थे जो आज तक हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा रिपेयर और इनक्रेडिबल। हमारी जो बस है ये ट्रेन के बराबर चल रही है, नॉर्मली ट्रेन पटरी पे ही गुजर रही है, वही क्या बस। अरे ट्रेन का जो रूट मैप है वो बिल्कुल यहाँ पे आपको साफ दिखेगा। दार्जिलिंग से ये ट्रेन शुरू होती है, उसके बाद में घूम जाती है। मोस्टली टूरिस्ट यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करते हैं और वापस दार्जिलिंग पहुँच जाते हैं। इसका जो टिकट का प्राइस होता है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने का, जो कि ये है 6812 फीट की ऊँचाई पर, और ये है इंडिया का हाइएस्ट रेलवे स्टेशन जो कि है घूम, और ये पड़ता है लगभग 7460 फीट की ऊंचाई पर। और यहाँ तक का सफ़र आप 7.5 में करते हो, और मेक श्योर जब भी आप बैठते हो तो आप जो राइट हैंड साइड की सीट है ना वो लो ताकि व्यूज़ अच्छा है। उसके बाद आता है ये सोनाटा, ये तो ये कुर्सन। मैं यहाँ तक जाने वाली हूँ, हालांकि मेरी टिकट जो बुक थी वो यहाँ तक की थी, तो उस केस में ये टोटल स्टेशन आप देख लो लगभग 12 स्टेशन को कवर करने के बाद में रुकते हुए दार्जिलिंग से ये न्यू जलपाईगुड़ी का सफ़र करते हैं लगभग 7 से 8 घंटे। तो जो टॉय ट्रेन की स्पीड है ये लगभग 8 से 9 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, काफ़ी स्लो मोशन में, और इसी वजह से जो व्यूज़ है उनको आप इंजॉय कर पाते हो। का पहला स्टॉप यानी कि घूम आ चुका है। ट्रेन मेरे पीछे खड़ी है, इस साइड पे एक प्लेटफॉर्म है, इस साइड पे एक प्लेटफॉर्म है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिनेमैटिक ये रेलवे स्टेशन है। इस साइड पे आप देखोगे तो पूरा हेरिटेज प्रॉपर्टी है, रेड कलर की पुरानी जो ब्रिक्स होती थी यानी ईंटें होती थी उससे ये पूरा स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे भी खाने पीने की दुकान है, आप चाहें तो यहाँ से भी फटाफट से कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह खरीद सकते हैं, और थोड़ा सा शॉपिंग वाला सीन भी बना हुआ है। फटाफट से देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है इस स्टेशन पे खाने पीने के। हालांकि यहाँ खाने पीने कोई नहीं आता, ये हेरिटेज साइट है, कुछ काम ही था कुछ का। ये सब यहाँ पे ये शॉप बनी हुई है जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं। ये जो रेट्स है यहाँ पे दी हुई है सारी, और उस साइड पे आपको रोड दिख रही है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा ये स्टेशन है। और यहाँ पे आपके फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आएंगे। इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, और उतने ऊंचे स्टेशन पे स्टीम इंजन से ट्रेन आ जाया करती है, आश्चर्य की बात है। मतलब सिर्फ हॉन्किंग हो चुकी है, चलते हैं फटाफट से अंदर। तो भाई ट्रेन जब जब मुड़ती है तो दिल की धड़कन जो है ना वो और तेज हो जाती है। अब वो टाइम आ गया है जब ट्रेन ने पूरा दार्जिलिंग और घूम यानी कि जो शहर है बड़े बड़े
वो क्रॉस कर चुकी है और पूरी तरह से चारों तरफ जंगल, ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज, पूरा फॉगी फॉगी सा मौसम और दोनों तरफ ट्रैक के बिल्कुल हरियाली आ चुकी है। अब असली मज़ा शुरू होता है, उसका भी अपना मज़ा है जब ये सिटी में चल रही होती है, पूरा चारों तरफ आपको सिटी का क्राउड दिखता है, बिल्कुल पास पास में घर होते हैं, कैफेज होते हैं, लेकिन अब क्राउड से दूर असली शांति और सुकून का टाइम आ चुका है। तो पास में जो रोड चल रही है ये है नेशनल हाईवे नंबर 110, जो कि सिलीगुड़ी से सीधा दार्जिलिंग को कवर करता है, मतलब कनेक्ट करता है। और आपको अगर नहीं पता है तो बहुत से लोगों को दार्जिलिंग के लिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। और इसके लिए जो सबसे मतलब आसान तरीका है पहुँचने का वो है न्यू जलपाईगुड़ी या बागडोगरा पहुँच जाएँ। अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो बागडोगरा तक आएँ, अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी तक आएँ। और वहाँ से वैसे तो टैक्सी भी मिलती है, लेकिन ट्रेन का मज़ा लेना चाहते हैं तो ट्रेन का मज़ा भी ले सकते हैं। बाकी मोस्टली लोग टूरिस्ट ट्रेन ही करते हैं जो घूम तक चलती है, 1000 रुपये जिसमें खर्च करने पड़ते हैं, ये 750 की है। और अगर न्यू जलपाईगुड़ी तक की चल रही होती है तो उसका जो किराया होता है वो लगभग 1500 रुपये होता है। इस ट्रेन में मतलब रास्ते में पत्ती तार कुछ भी आता है तो फिर उतर के निकालना पड़ता है, फिर से वापस ट्रेन चलानी पड़ती है। कभी कुछ लोग खड़े होते हैं उनको हॉर्न मार मार के भगाना पड़ता है, कभी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं लोग, बाइक्स खड़ी कर देते हैं, तो थोड़ा सा मतलब बहुत ही यूनिक टाइप का एक्सपीरियंस आपको इस ट्रेन में मिलेगा। तो इस ट्रेन की ना एक और बहुत ही खास बात है, और वो ये है कि जब आप नॉर्मली ट्रेन्स में सफ़र करते हो तो वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको फुल नेटवर्क मिलता है और पूरे व्यूज़ के साथ, और जो भी आपके मतलब बाहर हो रहा है वो सारी चीज़ें भी आपको पता होती है। मतलब बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, नेटवर्क फुल आ रहा है। हाँ, वॉशरूम्स की इसमें नहीं होती क्योंकि नॉर्मली ये जो ट्रेन्स चलती है बहुत शॉर्ट रूट पे चलती है, इसलिए यहाँ पे वॉशरूम वगैरह नहीं होता है, कुछ खाने पीने का नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, स्टेशन हर स्टेशन जहाँ पे भी ये रुकती है ना, वहाँ पे खाने पीने का आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो अगर आप पूरा सफ़र कर रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी तक का, तो अपने साथ में कुछ ना कुछ कैरी जरूर करें। तो देखिए रोड पे ही ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। मॉनेस्ट्री है बहुत ही खूबसूरत सी, बीच बीच में घर आ रहे हैं, गाड़ियां हैं, अद्भुत अविस्मरणीय। स्टेशन बस अब आने ही वाला है ऑलमोस्ट, और जब स्टेशन आने वाला होता है तो ये देखिए क्रॉसिंग्स किस तरह से होती है, बिल्कुल पास पास में ही ये आ चुका है स्टेशन। घूम के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉप आता है वो बहुत दूर आता है, मतलब बहुत देर के बाद में आता है। ये आ गया अपना नया स्टेशन।
सोनादा। तो घूम के बाद में जो अगला स्टेशन आता है ना, वो बहुत देर के बाद में आता है। अगला स्टेशन जो आया है वो है सोनादा। सोनादा स्टेशन लगभग आधे घंटे के बाद आया है। तो भाई ट्रेन जो है बस चली, मतलब रुकी और अब चल दी, ऐसा हाल है यहाँ का। सोनादा है, इसकी ऊंचाई भी मैं आपको बताती हूँ। तो भाई यहाँ पे ट्रेन से ही आपको सारी दुकानें, शॉपिंग वॉपिंग सब मिलती है बिल्कुल पास पास में। अभी जो व्यूज है ना, वो देख के लिटरली लगेगा कि भाई जीवन सफल हो गया। पूरा चारों तरफ ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गई हूँ। पुरानी टाइम में अप्सराएं नाचा करती थी और ऐसी मूवीज होती थी जब नीचे से धुआं उड़ रहा होता था, वो लोग नाच रहे होते थे, बस वैसा ही फील है। ऊँचे ऊँचे पहाड़, उसके बीच में पत्तियाँ गिर रही है, वो सिनेमैटिक वाले जो ये होते हैं ना पर्दे, वो लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मतलब आँखों को सुकून देने वाला दृश्य है। मतलब बयान ही नहीं कर सकती मैं शब्दों में, बहुत सुंदर। मतलब अभी तक जो इस ट्रेन का सफ़र रहा है, सुबह लगभग 9:30 बजे दार्जिलिंग से निकले थे, अभी लगभग 11 बजने वाला है। सोनादा अभी क्रॉस हुआ है, 2 स्टेशन आगे है जहाँ पे मुझे पहुँचना है। और सफ़र सच में अभी तक बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत आराम से निकल गया है, पता ही नहीं चला कि कैसे टाइम निकल रहा है। वाह भाई, ये ऐसी ट्रेन है जिसमें आपको लोग दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, दुकानें दिखती हैं, सुंदर सुंदर घर दिखते हैं, नज़ारे दिखते हैं, जंगल दिखता है, बादल दिखते हैं, मतलब क्या नहीं है। लगता है इंडिया में, मतलब अगर किसी को बेस्ट रैंकिंग दी जानी चाहिए तो वो ये दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन, और शायद इसीलिए सबसे महंगी भी है। जहाँ कालका शिमला और बाकी सारी ट्रेन 300 से 500 रुपये की टिकट देती है, वहीं पे ये 1500 से 1500 रुपए की टिकट आपको देती है। तो भाई कुछ तो बात है, और उसमें भी स्टीम इंजन से जो चलने वाली होती है, वो तो क्या कहना, क्या कर्व्स है, क्या ब्यूटी है। डेफिनेटली मस्ट ट्राई वंस इन योर लाइफ, लाइक करनी ही चाहिए, वरना कैसे आप रियल इंडिया को एक्सपीरियंस करोगे। नंबर 5240 जो दार्जिलिंग से चलती है और 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लेती है। इस ट्रेन का सफ़र अभी मैं कर रही हूँ, आपको भी करना चाहिए एटलीस्ट एक बार अपनी लाइफ में, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी ट्रेन आपको दे सकती है। तो जिन भी लोगों को उल्टी की प्रॉब्लम होती है या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स जो माउंटेन में होती है, इस ट्रेन में कुछ नहीं होगा, बहुत आराम से सफ़र कट जाएगा। ना उल्टी की झंझट, ना ट्रैफिक की चिंता, सब उन लोगों की टेंशन। तो अभी आने वाला है 4th स्टेशन जिसका नाम है तुंग, और लगभग अगेन 15 से 20 मिनट तक ट्रेन चली है और उसके बाद ये स्टेशन आ पाया। जो सामने दिख रहा है आपको ये स्टेशन है, इस साइड पे ये ट्रेन खड़ी है और इसके दूसरे किनारे पे स्टेशन बना हुआ है। अगर आपको टाइम मिले, मतलब आप अगर अपने व्हीकल से आ रहे हो, तो बहुत ही सिनेमैटिक व्यूज़ और फोटोज़ आएंगे। मुझे लगता है घूम तो सुंदर है ही, उसके साथ साथ ये भी बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बहुत ही क्यूट सा स्टेशन है। और लो भाई, बस यहाँ पे एंट्री करी मैडम जी ने और ट्रेन फिर से चल दी। 20 मिनट के बाद ये स्टॉप आया था और 1 मिनट भी नहीं, मतलब आधे मिनट के लिए बस ट्रेन ये समझ कर रुकी है। इसका एल्टीट्यूड है 5656, मतलब घूम जो कि 7000 पे है और लगभग 6000 पे दार्जिलिंग है, वहाँ से अब हम नीचे जाते जा रहे हैं और अब फिलहाल जो है 5656 फीट की ऊँचाई पर पहुँच चुके हैं। अब पूरी तरह से जंगल ही जंगल आ चुका है। उस साइड देखोगे तो क्या खतरनाक व्यूज़ हैं, मतलब बादल तैर रहे हैं, इधर की साइड पे मस्त ट्रेन चल रही है।
ट्रेन बिल्कुल जंगल में से जा रही है, बिल्कुल खतरनाक जो जंगल होता है ना उस टाइप के, फिर भी पास में जो है वो रोड दिखाई दे रही है और इस साइड पे स्टेशन बस आने को है। तो लास्ट स्टेशन आने से ठीक पहले काफ़ी बड़ा सा ये शहर है जो पड़ता है, और इसमें ना आपको सारी चीज़ें दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं पे कुछ खाना पीना खा के और फिर मुझे निकलना चाहिए आगे की तरफ। आगे कहाँ जा रही हूँ वो तो अगली आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा, फिलहाल जो है लास्ट स्टॉप बस आने ही वाला है, उससे पहले ये पूरा मार्केट है। तो बिल्कुल पास पास में ट्रेन चलती है और ट्रेन के पास ही लोग भी चल रहे हैं, पेट्रोल पंप भी आ जा रहा है, दुकानें भी आ जा रही है, सब कुछ आ जा रहा है। ओह तो अब ये स्टेशन भी आ ही गया है। तो जो लास्ट स्टॉप है वो बस आ चुका है। मौसम अब तक बिल्कुल सुहाना है, लगभग 12 बजने वाले हैं दोपहर के, और कुरसुंग नाम का है ये स्टेशन जो बिल्कुल लास्ट स्टॉप है इस ट्रेन का। वैसे न्यू जलपाईगुड़ी तक जाती है लेकिन आज जो मैंने सफ़र किया वो ये लास्ट है। 12 बजे सफ़र ख़त्म होता है जो सुबह के लगभग 9-9:30 बजे के करीबन शुरू हुआ था। 30 किलोमीटर का सफ़र ख़त्म। तो अपना जो रेलवे स्टेशन है कुरसोंग वो आ चुका है और अभी हम स्टेशन की तरफ जाएंगे। ये भाई साहब जी हरी झंडी दिखा दिए हैं, आज के दिन का ये लास्ट स्टॉप है। 4864 फीट की ऊंचाई पर अभी भी हम हैं समुद्र तल से, और लगभग 6000 से शुरू किए थे और 4000 तक पहुंच चुके हैं, बीच में 7000 यानी और ऊपर भी गए थे। यहाँ पे ट्रेन जो है वो रिवर्स जा रही है, तो ट्रेन है इस तरह से पीछे की तरफ जाती है और लग जाती है, इस प्लेटफॉर्म पे आती है फिर पीछे गई, वहाँ पे पार्क हो गई। तो अभी मैं खड़ी हूँ कुरसोंग रेलवे स्टेशन पे, और मेरा ये जो सफ़र था बहुत ही खूबसूरत रहा। आई सजेस्ट कि आप अपने लास्ट डे पे या फिर अपने जब आप आ रहे हो, अगर फ्लाइट से आ रहे हो तो आप फ्रेश ही फील करते हो, तो उस टाइम पे भी आप NJP से ले सकते हो। अगर NJP से नहीं भी ले सकते हो तो NJP से कुरसोंग तक आ जाओ और यहाँ से टिकट लेके दार्जिलिंग जा सकते हो, या फिर एक दो स्टेशन की भी जा सकते हो। जो सबसे पॉपुलर राइड होती है वो घूम वाली होती है, मतलब दार्जिलिंग से घूम लोग आते हैं और फिर घूम से वापस दार्जिलिंग जाते हैं, जिसके लिए वो 1000 रुपीज़ पे करते हैं। हालांकि उसका भी अपना मतलब एक इन्जॉयमेंट है, क्योंकि वो ट्रेन और इस ट्रेन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसमें ग्लासेस होते हैं ऊपर नीचे, जो विंडोज़ होती है उसके भी जो ग्लासेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उसकी वजह से उसका अपना मज़ा है। बट उसकी जो टिकट लगती है वो 1000 रुपीज़ लगती है, और उसके लिए आपको एक तरह से एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है कि आपको 2-3 घंटा। अब इसमें ऐसा है कि आप जर्नी तो कर रहे हो, जहाँ जर्नी आपकी शायद 2 घंटे में या 1 घंटे में हो सकती थी, उसकी जगह आपको 2 घंटा, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा डबल टाइम सा लग जाता है। बट एटलीस्ट वो टाइम सेव हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। तो इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो, जैसे मैंने किया, 750 रुपीज़ में मेरी ये जर्नी हो गई और बाकी लोगों से लंबी हुई। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले, कभी ट्रैफिक मिल रहा है, कभी मतलब वाटरफॉल्स दिख रहे हैं, कभी पूरे जंगल दिख रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, सब कुछ, मतलब हर चीज़, हर एक्सपीरियंस आपको इस ट्रेन में लाइव देखने मिलता है। और शायद इसीलिए इसे लाइव हेरिटेज भी कहा जाता है। सो आप बच्चे हैं, बूढ़ों के साथ आना चाहते हैं, बच्चों या अपने मतलब वाइफ के साथ आना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ आप अगर आ रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए मस्ट डू है। तो मुझे पूरे रास्ते में ना बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी, लेकिन कहीं पे पानी की बॉटल मैं नहीं ख़रीद पाई, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और सैड पॉइंट है कि मतलब इतनी दुकानें पास से निकल रही होती है फिर भी आप कुछ खरीद नहीं पाते हो। तो अपने साथ में खाने पीने का ज़रूर लेके रखो, स्पेशली बच्चों के साथ आ रहे हो तो खाने पीने का रखो। अभी मैं पानी की बॉटल लूँगी और अपने गले को शांति दूँगी, इसी के साथ पूर्ण विराम इस वीडियो को। ट्रेन जो है अपनी वो पीछे जा चुकी है, पार्किंग पे लग चुकी है, इसी के साथ जो सफ़र है वो ख़त्म हुआ। प्यारे से रेलवे स्टेशन पे मैं पहुंच गई हूँ, लगभग दोपहर के 12:15 हो चुके हैं, मतलब 2.5 से 3.25 घंटा आपको लग जाता है इस सफ़र को तय करने में, जो 30 किलोमीटर का ही सिर्फ है। यहाँ से आगे कैसे जाऊँगी वो बाद में बताऊँगी, अगले आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।